हेलो एवरीवन, आपने देखा कि मैंने डिनर पर क्या बनाया। मकई की सब्जी थी, पराठा, और सिंपली तरीके से मैंने पोच बनाया था। और यहाँ मैंने दो मकई लिया, दोनों को छील लिया था, एक लाइन मैंने चाकू से निकाला, बाकी हाथ से आराम से निकल गए। मैंने दो मकई तो लिया था, लेकिन एक डेढ़ मकई मैंने यूज़ किया, जैसे यहाँ देख सकते हैं। और थोड़ा सा बच गया तो मैंने मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने निकाल दिया। और मकई और साथ में कैप्सिकम हाफ मैंने काट लिया, दोनों को साथ में भून लेंगी 2 चम्मच घी डालकर पैन में। और फिर दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच घी और डाला, और उसमें जीरा, हल्दी, धनिया, अदरक 1 इंच उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। मैंने बाद में डाला, आप इसी वक्त डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 टमाटर ग्राइंड कर लिया था, साथ में 2 हरी मिर्च उसे डाल दिया, साथ में थोड़ा सा पानी डाला मसाला भूनने के लिए। और इस मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से तेल अलग ना दिखने लगे। और दूसरी तरफ मैं जो कैप्सिकम और मकई भून रही हूँ उसे मैं लो फ्लेम पर ही हल्का सा कलर चेंज होने तक कैप्सिकम और मकई को पका लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। और यहाँ मसाले भून चुके हैं, तेल अलग दिखने लगा है, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी मैं उतना डाल रही हूँ जितना मुझे थिकनेस रखनी है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने यहाँ 1.5 कप पानी डाला। फिर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मकई, कैप्सिकम डाल दिया भुना हुआ, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करके मैंने ढक दिया, और ढक कर मैंने मीडियम लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने दिया, मतलब पकने देंगे। तब तक हम इधर पराठा बना लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सब्जी के साथ, मकई की सब्जी के साथ पूरी, पराठा, रोटी अच्छा लगेगा। और ये सब्जी आप बॉईल करके भी बना सकते हैं मकई को, अगर आपको सॉफ्ट खाना है तो। क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाया, क्योंकि थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगता है, बीच बीच में मुँह में पड़ता है मकई। तो अगर आपको सॉफ्ट मकई पसंद है तो आप इसे बॉईल करके उसके बाद घी में फ्राई करिएगा कैप्सिकम और मकई को। इस सब्जी को मैंने घी में बनाया था तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा लग रहा था। मेरा पराठा बनके तैयार है, और अब मैं पोच बना रही हूँ। तो सिंपली मैंने 2 एग तवा पे फोड़ दिया, और एग के ऊपर मैंने नमक और ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, और दूसरी तरफ भी पलट दिया। दूसरी तरफ भी हल्का गोल्डन कलर आने देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पकाने से प्लास्टिक जैसा फील होता है। कभी भी एग को पका तो पूरा लो फ्लेम कर दे गैस का उसके बाद ही। और यहाँ हमारा डिनर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी मैं रेसिपी डालूँ आपको दिख जाए ईजिली। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू, टेक केयर।